कर्नाटक चुनाव में प्रचार अपने आखिरी दौर में है, लेकिन कल बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से 10,000 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले में जांच ऑर्डर कर दी है। आखिर 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिलने का क्या मतलब है, इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडीआर के हेड रिटायर्ड जनरल अनिल वर्मा। उनसे पूछते हैं, सर कैसे देख रहे हैं आप इसको कि 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिलना कोई छोटी बात तो नहीं है? कम से कम ये पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड इतनी बड़ी तादाद में, जो कि फेक लग रहे हैं या पता नहीं जेन्युइन है, उनके इकट्ठे कर रखे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रखे हैं, वो तो जब तहकीकात होगी तभी पता लगेगा। लेकिन उसका मकसद क्या है ये करने का, इकट्ठे करके रखने का, उनको किस प्रकार से वो यूज करना चाहते थे, ये चीज ज्यादा जरूरी है। क्या उन्होंने पैसे देके वोटर से उनके वोटर आई कार्ड लेके और बोला कि हम एक पर्टिकुलर नुमाइंदे को वोट करवाएंगे या जो भी है, तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है, तो उनकी मंशा क्या है, वो मतलब किस तरीके से लोकतंत्र को सबवर्ट करना चाहते हैं, और एक हाथ पे तो वो तमाम ईवीएम्स के ऊपर सवाल उठाते हैं और खुद इस तरीके की कार्रवाइयों में लिप्त रहते हैं। वोटर लिस्ट जो होती है स्टेट्स की, उसमें फेक वोटर्स की नाम आना, जेन्युइन वोटर्स के नाम मिसिंग होना, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है हर इलेक्शन से पहले कि वो लिस्ट को अपडेट किया जाए और यकीन किया जाए कि जो वोटर्स वोट करने आते हैं वो जेन्युइन। लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस चीज है, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसका भी। सर क्या ये माना जाए कि हम जिस तरह से देखते हैं कि हर बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है, सख्त कार्रवाई नहीं होती है, क्या ये एक उसकी भी पानगी है कि अगर सख्त कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं खौफ होता? मेरे हिसाब से सिर्फ चेतावनी देके छोड़ देने से अभी काम नहीं चलेगा। ऐसा होता आ रहा है अभी तक कि कोई इस प्रकार का वायलेशन होता है और वो सब इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लगता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इलेक्शंस का क्योंकि सीमित समय होता है, पोलिंग डेट नजदीक आ रही है, तो इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करके और जल्दी से पता लगाया जाए कि किसकी चेतावो इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसकी गलती है, और फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इंडिविजुअल के ऊपर या पार्टी के ऊपर। बिल्कुल सर, इसमें एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि क्या कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर आईडी कार्ड से वोट करने के लिए जाने का जो सिस्टम है, क्या वो फुल प्रूफ नहीं है, जिसके कारण कोई भी वोटर आईडी कार्ड छाप रहा है और उसके बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया था, बट पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी इंजेन्युइटी ऐसी चीजों में लगाते रहते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को बीट किया जाए, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोकतंत्र को इस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। और इसमें इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें वोटर्स को भी इस चीज के बारे में सोचना है कि हम जाति, धर्म, रीजन, लैंग्वेज, नॉर्थ साउथ और पैसे के लालच में जो वोट करना जाते हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है। तो यानी इलेक्शन कमीशन को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सीरियस मैटर है। बिल्कुल, सख्त एक्शन की जरूरत। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इस बार इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए, अब वो बीजेपी दोषी हो या कांग्रेस दोषी हो या इनके अलावा कोई तीसरा दोषी हो, कार्रवाई उसके ऊपर सख्त होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर चुनावों के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।